ऊर्जा का महोत्सव शुरू हो गया है और यहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे रही है महिलाएं और बड़े ठाट बाट के साथ में इस बार छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ जो महिलाएं हैं पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। चार दिवसीय छठ महोत्सव में दो दिन खास होते हैं, वो भी झीलों के किनारे। पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं महिलाएं और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं महिलाएं। विशेष पूजा और अर्चना होते हैं। दो साल के कोरोना के चलते केवल सांकेतिक ही आयोजन हो पाए थे, लेकिन इस बार बिहारी समाज ने ठाट बाट से ये आयोजन किया है और इस बार जो साज सजावट की है जिलों के किनारे वो देखने लायक थी। और यहाँ पर जो भी आया पूरे ठाट बाट से आनंदित हो गया। जिस तरह से छठ समारोह समिति ने जो यहाँ पर भव्यता दिखाई है उससे सभी के मन प्रसन्न हैं और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना यह परंपरा है और इस परंपरा के तहत जल में खड़े रहकर इतनी देर तक डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है महिला। खास पूजा और अर्चना होती हैं, विशेष करके साएं व्रत करती हैं और व्रत भी दो या चार घंटे का या 24 घंटे का नहीं, पूरे के पूरे 36 घंटे का यह व्रत होता है और इसमें निराहार और निर्जल रहकर ये महिलाएं व्रत करती हैं। सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना के बाद अर्घ्य देती हैं, उनको दीप दर्शन कराती हैं और विशेष रूप से यह शक्ति का महापर्व है और इस महापर्व को जो पूजा अर्चना करता है विशेष रूप से शक्ति मिलती है। परिवार में, समाज में, देश में और दुनिया में सभी का मंगल हो, सभी यही कामना करते हैं। क्या कहा, इस अवसर पर व्रतधारी महिलाओं ने, यहाँ पर आने वाले भक्तों ने और आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने। देखिए ये खास खबर। छठ पूजा का यही महत्व है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देना और पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं महिलाएं और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं और यही परंपरा भारतीय परंपरा है। भारतीय जो परंपराओं में विश्वास है महिलाओं का आज भी बरकरार है। झीलों के किनारे छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और सभी पहले दिन मंगल कामना और आशीर्वाद लेकर घर पहुंची महिलाएं विशेष उत्साह और उमंग के साथ। छठ पूजा का महोत्सव झीलों की नगरी उदयपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और दो दिवसीय यह महापर्व झीलों के किनारे मनाया जाता है और यहाँ पर जो टीम आप देख रहे हैं पूरे जोर शोर से ये टीम कई दिनों से लगी हुई थी कि इस बार छठ पूजा का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। कोरोना के चलते दो साल तक केवल सांकेतिक ही आयोजन हुए थे और इस बार तो इस टीम ने पूरा काम किया है और आप देख रहे हैं ये सब सारी साज सज्जा जो टीम के द्वारा की गई है वो बहुत ही सुंदरतम हुई है। ऐसे ही आयोजन प्रतिवर्ष होते रहे और ठाट बाट से छठ मैया की पूजा अर्चना होती रहे और खूब आनंद उड़ते रहे, यही सबकी मनोकामना है और छठ मैया से सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, महिला मंडल की जय, छठी मैया की जय। जी उगा है सूरज देव भिन भिन सरवा अलग के
बेरवा जन के रे बेरवा हो बड़ की पुकारे देव दुनु कर जोरवा अलग के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो भजन पुकारे देव दुनु कर जोरवा अलग के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। छठ पूजा का महोत्सव है और छठ पूजा में पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह परंपरा बहुत ही प्राचीन परंपरा है और आज भी ये इसी रूप में बरकरार है और यहाँ पर आने पर महसूस ही नहीं होता है कि हम राजस्थान में हैं या बिहार में हैं। महिलाएं बड़े मनोभाव से प्रेम भाव से इस व्रत को करती हैं और परंपरा को निभाती हैं। सरकार भी खूब सहयोग देती हैं और जनप्रतिनिधि भी खूब सहयोग देते हैं। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब हैं। आप के समय में आपने खूब सहयोग किया है और ये घाट का भी आपने खूब विस्तार किया है और बिहार समाज से आपका खूब लगाव भी है। आप बताएं क्या और भी इनकी जो मांगे हैं वो किस तरह से पूरी हो सकती है। देखो ये जो छठ की पूजा करते हैं जी, ये केवल बिहार के लिए नहीं करते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को सुख समृद्धि के लिए करते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये भी सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं और वो इसलिए कि सुख शांति अमन चैन मिले। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब से मैं इन लोगों के संपर्क में आया हूँ और छठ की पूजा का इन्होंने जब जब भी मुझे यहाँ बुलाया और जब जब भी इन्होंने आवश्यकता महसूस की तो मैं नहीं हुई, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इनकी छठ की पूजा के कारण से मेरे इस तालाब को ईश्वर ने भरा रखा। 2004 से लेकर आज तक मेरा फतेहसागर कभी खाली नहीं रहा, तो ये इनको ईश्वरी शक्ति है जो इसके मदद करती है और मैं बराबर प्रयास करता हूँ। ये लोग जिस मनोभावना से सूर्य देव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, डूबते हुए सूर्य की भी करते हैं, उगते हुए सूर्य की करते हैं और इस ठंड के दिनों में भी, अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं, कई बार ऐसी सर्दी आ जाती है कि उसमें भी पानी में खड़े रह करके और सूर्योदय की एक तरह से उसकी उपासना करते हुए, सूर्योदय की प्रार्थना करते हुए, जब सूर्य उदय होता है उसके बाद ही इनका वो काम पूरा होता है। तो निश्चित रूप से, अभी एक बहन ने कहा कि हमको कपड़े बदलने में दिक्कत आती है, बात सही है उसकी, निश्चित रूप से उसको ध्यान में रख करके टेम्परेरी क्या स्ट्रक्चर खड़े हो सकते हैं ताकि इनका काम हो जाने के बाद उनको वापस हटा भी लें। अगर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोई ऐसे लोग हैं जो उस स्थान का दुरुपयोग करेंगे, तो वो भी नहीं हो, इनकी समस्या के हल हो जाए। और ये चाहते हैं कि घाट, अब ये जब से इन्होंने पूजा शुरू करी है तो इनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ती हुई, एक घाट बनाया फिर आगे बढ़े, फिर कभी पड़ती और आगे बढ़ा देंगे और एक तरह से इनकी पूजा से ही मेरे शहर को अमन चैन शांति मिलती है। मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हम लोगों को बहुत ध्यान दे ही रहे हैं और थोड़ा सा और ध्यान दे, बस यही हम साहब से गुजारिश है। पहले तो हम लोग बिल्कुल गले कीचड़ में रहते थे, तख्ते पाटिया लगाते थे, लेकिन जब साहब ये अपने फंड से ये इनको प्रयास किए तो दो बार की गले प्रयास किए, दोनों बार में हमको अच्छा सा बन गया, जो ताकि पहले कम जनसंख्या थी, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो साहब भी बोला कि धीरे धीरे बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। मैं ठाकुर सिंह, छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति के सचिव। आज का जो कार्यक्रम रहा छठ पूजा का, वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिए और आप जैसे देख रहे हैं कि उदयपुर में बरसों से हम लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को और बहुत ही उदयपुर के लोगों का भी, हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। उदयपुर लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उदयपुर के जो भी लोग हैं वो लोग हम लोगों को संपूर्ण तरह के से सहयोग करते हैं। हाँ बोला, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अच्छा बताओ, छठ पूजा में तो नारियल,
और सेब संतरे ये सब लगते हैं और हमारे सबसे महत्वपूर्ण ठकवाल बनते हैं, वही चढ़ते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, इस बार बहुत आनंद आया है इस बार। बताओ कैसा आनंद आया? नहीं, इस बार तो बहुत आनंद आया। हाँ, ये बताओ इस बार कैसा आनंद रहा है? इस बार तो सर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाए, दो साल से तो छूट गया था कोरोना काल के वजह से। दो साल तो अपने को बहुत तकलीफ हुई थी, नहीं कर पाए थे, उसके वजह से इस बार जो मौका मिला उस मौके को गंवाई नहीं और अच्छी तरीके से अपन धूमधाम से मनाए। और यहाँ की मतलब जो प्रशासन भी है, यहाँ के जो वासी हैं, उनका भी सहयोग मुझे अच्छा मिला और उनके जरिए से मतलब अच्छा काम किए और अच्छे तरीके से अपन निभाया। मैं छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति का कोषाध्यक्ष हूँ और हर साल की तरह दो साल से तो कोरोना काल से नहीं हो रहा था, इस बार बहुत धूमधाम से हुआ, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आया। और छठ पूजा हम लोग तो बिहार में इसको सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, छठ में बोलते हैं बड़का पर्व, तो छठ मैया का पूजा नियम कानून से बहुत धूमधाम से करते हैं, घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं और छठ पूजा सब करते हैं। और बड़े ठाट बाट के साथ में इस बार छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ जो महिलाएं हैं पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। बताओ इस व्रत की क्या महिमा है और क्या खास करते हो आप पूजा? शांति के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए छठ पूजा करते हैं। आप बताओ बताओ सुख समृद्धि के लिए करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं, अपने घर परिवार खुश रहे, छठ करते हैं। भारत देश संस्कृति का समृद्धशाली देश है और इस की संस्कृति को पूजने के लिए यहाँ पर विदेशों के लोग आते हैं और ऐसी संस्कृति पर हमें गर्व है और ये पीढ़ियों से जो हमारे को विरासत मिली है, हम सब इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, यही हमारी परंपरा और यही हमारा विश्वास आज भी बरकरार है इन युवाओं में जो जोश और खरोश के साथ में इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कर्णधार के रूप में काम कर रहे हैं। आप बताएं किसी भी क्षेत्र में आप हैं लेकिन अपनी संस्कृति को किस तरह से आप प्यार करते हैं, आप बताओ। हम अपनी संस्कृति जैसे कि हम हैं अगर बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में आने के जैसे जैसे इन लोगों से मिले तो बिहार में हम यूज़ करते हैं ना कि तुम, तो हम लोग एक दूसरे से हम में ही बात करते हैं। एक दूसरे से जो भोजपुरी टोन आता है वो मगही टोन, उसमें बात किया, छठी माता छठी मैया के पास आए, घाट पे आए, तो जितना भी हमें दिल्ली पहुंचा दो लंदन पहुंचा दो, दिल तो बिहार का रहता है, दिल तो पूर्वांचल ही है। वाह वाह, आप बताओ आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जैसे जब पहली बार मिले तो जो टिपिकल बिहारी शब्द होते हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, जब हमने एक दूसरे को यूज करते हैं हमारा दिल इतना खुश हो जाता है कि हमें फाइनली कोई ऐसा मिला जो रेजोनेट करता है और रिस्पेक्ट करता है, नॉट मजाक उड़ाते हैं। हमें ऐसे ट्रांसलेट नहीं, जैसे कि हमारे होता है ना कि कपड़ा गार के पसार दो, मतलब कि कपड़ा को ऐसे निचोड़ के फैला दो। अगर मुझे इन लोगों से बात करना तो पहले अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना, बट इन दोनों से ऐसा नहीं है, दाल भात तरकारी दाल भात तरकारी और वो दनर भसियाना टेक्नोलॉजी पर पराना अभी लोट टपकाना, तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस दिल से निकल गया और बस दिल आ गया। पहली बारी मिले ना, पहले मैं शब्द यूज करती थी, अब मैं भी चार दिन से मैं भी हम यूज शब्द कर रही हूं। पता है ये लोग ना तीन दिन से ऐसे बिहारी शब्द बोले जा रहे हैं, हमारी भी ना ऐसे टोन एकदम चेंज हो गई है, थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, हमें नए नए शब्द पता लगे, ढेकी काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे कई जगह पे ना बिहारी शब्द एक बुरे तरीके से यूज होता है कि बिहारी हो गया तुम, बुरे तरीके से यूज होता है, तो अब पता लग रहा है कि बुरा नहीं है, कल्चर इनका भी रिच है और एक तरीके से एक कल्चरल आपको बता दे सर कि चाहे बिहारी कहीं भी चला जाए, चाहे वो कहीं भी हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, छठ पर्व जब होता है ना वो हमेशा अपने बिहार को याद करता है, हमेशा
हम लोग भी ना बहुत दूर से, मतलब हम तो दिल्ली में रहते हैं अभी, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सब भी दिल्ली में रहते हैं, हम लोग पहली बार मिले और हम लोग को पता चला कि हम लोग छठ में साथ में रहने वाले हैं। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि कहाँ पे छठ हो सकता है। हाँ। कहाँ पे हम लोग ऐसे साथ में बिता सकते हैं ऐसे पल, और हम लोग यहाँ आए। भले हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि हमारा काम था, तो ऑफिस से हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे यहाँ, लेकिन जब हम यहाँ आए तो सब कुछ खत्म हो चुका था, हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जो वाइब है, जो फीलिंग है, अभी भी देखिए यहाँ पे जो है ये डंडे ऐसे लगे पड़े हैं, कोसी लगी हुई है, इसके सामने हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अभी आधा घंटा एक घंटा बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे, है ना। और लोग बाकी सारे लोग भी है, जैसे कि ये भी दिल्ली से, ये भी दिल्ली से, ये लोग प्रॉपर दिल्ली से हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है कि छठ क्या होता है, तो उनको उनको बताएंगे। जैसे ये अंकल है, ये अंकल हमारे पास आए बैठे और हमसे बोले कि छठ पूजा में क्या होता है, आप बताइए हमें। तो ये अच्छा लगता है कि जब हम लोगों से ऐसे बात करते हैं अपने कल्चर के बारे में, उनको बताते हैं और वो भी हमसे ये बोलते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा कल्चर है। तो ये जो बिहारी का जो ऐसे स्टीरियोटाइप किया जाता है ना, बिहारी हो क्या, या फिर ऐसे हमेशा माना जाता है कि बैल बुद्धि, मैंने तो मतलब छुपाया था कि मैं बिहारी हूं थ्रू आउट माय स्कूलिंग। वैसे मैं झारखंड से हूँ, लेकिन मेरा पैदाइश जो है वो तो बिहार के स्टेट में, मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिहार का है, तो बिहारीपना तो है ही मेरे अंदर। ये तन भले ही कहीं पर जाए, चाहे दिल्ली जाए या लंदन, लेकिन दिल तो बिहारी हैं, और बिहारी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, और ठाकुर जी तो सब में अनोखे है ही हैं। लाडले लाल ठाकुर जी के जो लीलाएं हैं वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं, और इनकी लीलाओं में ही यह बिहार रचा बसा है, और बिहारी के रूप में आज ये पूर्ण रूप से यहाँ पर साकार हो रहा है जिलों की नगरी उदयपुर में, और सभी यहाँ पर आके आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जय बोलो छठी मैया की जय। जी उगा है सूरज देव भिन भिन सरवा अलग के बेरवा जन के बेरवा हो बड़ की पुकारे देव दुनु कर जोरवा अलग के बेरवा पूजन के बेरवा हो भजन पुकारे देव दुनु कर जोरवा अलग के बेरवा पूजन के बेरवा हो। जी बताएं। छठ पूजा बहुत ही बड़ा पर्व है। मेरा ससुराल बिहार है और मैं इस पर्व को बहुत बहुत इंजॉय भी करती हूँ और मानती हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उदयपुर वासियों की कि यहाँ पर इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये बहुत अच्छा पर्व है। मैं चाहती हूँ कि सभी यहाँ पर आए, छठ मैया से आशीर्वाद लें और सूरज देव को नमन करें। छठ पूजा का उत्साह सभी में है, और ये उत्साह देर रात तक आपको दिख रहा है घाटों पर, और सभी यहाँ पर आए हैं उन स्थान पर कि जहाँ पर पूजा अर्चना हुई है। बताओ कैसा आनंद आया है आज? आनंद तो बहुत आया है। हाँ, और सबको पर्व करते हुए देख के मन को एक खुशी मिली है बहुत ज़्यादा। आप बताओ क्या कहना है आपका? बस अच्छा लग रहा है। हाँ, आप बताओ। आनंददायक यह आयोजन होता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम सरोज कुमार है। हाँ। ये नेबर है, हमारे पड़ोसी है। हाँ। तो मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। कि मैं पहले गिरा रहे थे उनके साथ आती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मुझे आना जरूर, देखना है मुझे। माधो बिहार कॉलोनी से हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, पड़ोसी है, छठ करते हैं यहाँ करीब 22 साल से रह रहे हैं, और 20-21 साल से तो पूरा लगातार छठ यही कर रहे हैं। काफ़ी परिवर्तन हो गया, बहुत भीड़ हो रही है, काफ़ी पहले तो बहुत थोड़े बहुत थे, काफ़ी लोग हो रहे हैं, और अच्छा अच्छी व्यवस्था होगी।
देखा जी। बताएं क्या कहना है आपका? बस आज छठ का पर्व है, बहुत खुशी हो रही है, सब मिलकर यहाँ पे छठ मना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे बिहार समाज का सबसे अच्छा त्यौहार है, पूरे साल भर से सबको इंतजार रहता है इस त्यौहार का, बहुत निष्ठा है इसमें, सबकी आस्था है इसमें और बहुत ही विश्वास के साथ पर्व को सभी लोग करते हैं, अच्छा लगता है। हमारी समाज के छठ पूजा का पर्व महापर्व होता है और इसे देखने के लिए कई स्थानीय नागरिक भी आते हैं। बताएं कैसा लगता है आपको ये पर्व? आज ये पर्व देख के बहुत अच्छा लगा, जैसे बिहार में इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, वैसे उदयपुर में इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिहार मिनी बिहार जैसे लग रहा है। तो इस तरह से आयोजन हमें पहली बार देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। आप बताओ? बहुत ही अच्छा लगा हमारे पत्रकार के पाल पे जाके देखा, मेरी बात देखा हमने। छठ पूजा का महोत्सव धूमधाम से चल रहा है जिलों की नगरी उदयपुर में और हमारे साथ में फूल सिंह जी मीणा हैं, विधायक उदयपुर ग्रामीण। बताएं क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वास्तव में छठी मैया की यह पूजा के पावन अवसर पर दो साल बाद में ये मौका मिला है और यह बिहार समाज के जो इस कमेटी की छठ पूजा स्मारक समिति के सभी भाइयों को मैं बधाई देता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और छठ मैया की पूजा में जिन्होंने भी यहां पर भाग लिया उनको भी बधाई और जो इस छठ पूजा से वंचित रह गया है किसी कारणवश उनको भी बधाई। छठ मैया से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये आने वाला वर्ष ढेर सारी खुशियों के साथ में, बिहार समाज के भाई और बहनों का तो ध्यान रखते ही हैं मगर पूरा हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे और उदयपुर मेवाड़ में जो आज एक दिन पहले मैं ये घोषणा करता हूँ कि वास्तव में मोदी जी ने हमारे लिए जो ट्रेन का जो तोहफा दिया बिहार समाज के लिए जाने के लिए, ये एक बड़ा तोहफा भी मिलने वाला है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कल 6 बजे रेलवे स्टेशन सिटी स्टेशन में आप भी इस ऐतिहासिक पल का उपस्थिति दर्ज करा के आनंद ले और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। गुलाब जी भाई साहब ने इस कार्यक्रम को जल्दी करवा के और हमारे को ट्रेन का तोहफा दिया, इस अवसर पे सभी को बधाई धन्यवाद। सभी बिहार समाज के इस विकास समिति बिहार समाज की जो पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ कि हर साल की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में यहाँ फतेह सागर की पाल पे भी है, गोवर्धन सागर की पाल पे भी यह आयोजन हो रहा है, इसके लिए सभी को बधाई धन्यवाद। जय भारत जय। अध्यक्ष हैं छठ महोत्सव समिति के, आप बताओ क्या? ईश्वर साहनी, मैं प्रशासन से और हमारे फूल सिंह जी भाई साहब और गुलाब जी भाई साहब से अनुरोध है एक चीज़ का, हर साल यही मांगता हूँ कि हमारे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, माने कम से 20,000 आदमी अपना उदयपुर में हमारे वोटर है, 20,000 से ऊपर जितना यूपी और बिहार वाले हैं और हम लोगों को यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है और देखिए इतने हजारों का भीड़ है जो उसमें हम लोग माने पानी में कैसे हमारे महिलाएं और पुरुष कैसे जा करके 36 घंटा 12 घंटा प्रार्थना करते हैं भगवान से और माने बहुत हम लोग सफाई करते हैं, माने 15 दिन 20 दिन माने दिवाली से हम लोग लग जाते हैं अपने सफाई करने के लिए और हजारों माने में पैसा खर्चा होता है हम लोगों को और सफाई करने के फतेह सागर के हम लोग साफ सुथरा रखने के लिए सफाई अभियान चालू कराते हैं और अच्छी तरह से सफाई करके फिर भी आप देखिए आज भी की गली उसी तरह फैली हुई है लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखते हैं और प्रशासन और हमारे भाई साहब लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों पर थोड़ा ध्यान दें और हमारे समाज के ऊपर हम लोगों के ऊपर बहुत इन लोगों के आभारी हैं ये बनाए हुए हैं गुलाब जी भाई साहब के देन है जो हम आज पक्का है
नहीं तो अपने तख्ते बिछाते थे, पाटिया बिछाते थे, पाटिया के ऊपर हम लोग निकले पूजा करते थे। किच्चर मतलब इतनी किच्चर थी तो हम पूछिए मत, सारे हमारे महिला लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं था, लेकिन वही भाई साहब की देन है जो आज हम लोगों के थोड़ा पक्के में आज खड़े हैं और पूजा कर रहे हैं, भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं।